गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक नई पोएम लेके आ गई हूँ क्लास फोर इंग्लिश मेरी बुक से, ठीक है, जिसका नाम है बाय। अब बाय आपको शायद पता ही होगा, क्योंकि हमें जब भी हम किसी पोएम या किसी चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं तो हमें क्वेश्चंस नज़र आते हैं, और उन क्वेश्चंस मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो बाय से स्टार्ट होते हैं, बाय दिस हैपेंस, बाय दैट हैपेंड एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यही अब एक पोएम है बाय। बाय का मीन्स होता है क्यों, क्या मतलब होता है बाय का मतलब क्यों, ठीक है, क्यों। अब यहाँ इस पोएम में एक बच्चा है जिसके ऊपर ये पूरी पोएम बेस्ड है, ठीक है। जो पोएट है वो उस बच्चे के बारे में बता रहा है कि वो कैसे, मतलब किस टाइप का बच्चा है, या फिर कितना क्यूरियस यानी कि कितना जिज्ञासु है, वो हर चीज़ को जानना चाहता है। उस मतलब उस सारी बातों को उन्होंने एक पोएम के थ्रू आप सबको बताया, ठीक है। तो लेट्स रीड द पोएम। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय हु इज ऑलवेज आस्किंग व्हाई, व्हाई दिस, व्हाई दैट, व्हाई देन, व्हाई नाउ, व्हाई नॉट, व्हाई बाय द पे, ही वॉन्ट्स टू नो व्हाई बुक शुड स्विंग, व्हाई लीड एंड मार्बल सिंग, व्हाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो एंड व्हाई वी ईट एंड ड्रिंक। He wants to know what makes the cloud and why they cross the sky, why sings the sun behind the hills and why the flowers die. Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others, no one ever yet has found the reasons why. तो ये थी हमारी poem. So let's start. कि हम first para wise देखते हैं, ठीक है? First para हमारा है. I know a curious little boy who is always asking why, why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. So in this poet जो है वो बोल रहा है, बता रहा है, he wants to say कि वो एक ऐसे बच्चे को जानता है जो कि बहुत ही ज़्यादा curious है, curious मतलब जिज्ञासु है, वो हर चीज़ को जानना चाहता है, ठीक है। जब हम किसी को बोल, आप हमारी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे हैं ना जो हर बार बोलते हैं मैम ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो वो दे आर वेरी क्यूरियस, ठीक है, वो दे वॉन्ट्स टू नो एवरीथिंग, ठीक है। तो वो भी जो पोएट है ही ऑल्सो सेइंग कि वो भी एक ऐसे बच्चे को जानता है, छोटे बच्चे को जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, ठीक है। और हु इज ऑलवेज आस्किंग व्हाई, जो हमेशा मेरे से पूछता रहता है Why? कि क्यों ऐसा होता है, Why this? ऐसा क्यों होता है, Why that? वैसा क्यों होता है, Why then? Why now? वैसा क्यों होता था या वैसा अब क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो लाइक ही क्वेश्चन वो हमेशा उससे पूछना चाहता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विंग, वाई लीड एंड मार्बल सिंग, वाई सन शुड शाइन and when should blow and why we eat and drink. And second para, poet wants to say that कि जो wood होती है, लकड़ी जो होती है, वो आपने देखा होगा कि मतलब पानी में तैरती है, ठीक है। आपने देखा होगा लकड़ी की जो boats होती हैं वो भी पानी में तैरती है ना। पर अगर आप किसी भी पानी में पत्थर डालते हो तो पत्थर जो है वो डूब जाता है, पत्थर नहीं तैरता है ना। शीशा भी अगर आप डालते हो तो भी वो डूब जाता है, तैरता नहीं है, ठीक है। तो वो ही ये बोल रहा है कि मुझे जानना है कि लकड़ी जो है वो स्विंग यानी कि तैरती क्यों है, और जो लीड और मार्बल है, पत्थर और शीशे हैं, वो क्यों डूब जाते हैं। सिंक मीन्स डूब जाना, ठीक है, स्विम मीन्स तैरना। वाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो, सन क्यों इतना, सन जो है वो इतना शाइन क्यों करता है, और जो विंड है, जो हवा है, वो तैरती क्यों है यानी चलती क्यों है, वो एक जगह रुकती क्यों नहीं है। ही वॉन्ट्स टू नो मतलब दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन कि भाई सन जो है वो शाइन क्यों करता है, ठीक है, विंड जो है वो ब्लो क्यों करती है यानी चलती क्यों है, ठीक है। उसके बाद लकड़ी जो है वो तैरती क्यों है, मार्बल्स वगैरह पत्थर वगैरह डूब क्यों जाते हैं, एंड वाई और हम खाते और पीते क्यों हैं, हम क्यों खाते पीते। तो इन सब क्वेश्चंस को वो जानना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू नो दैट कि ये सब क्यों होता है। ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड्स एंड व्हाई दे क्रॉस द स्काई। उसके बाद ही वो बोलता है कि वो ये भी जानना चाहता है कि क्लाउड्स जो है बादल जो है वो कैसे बनते हैं, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू नो क्लाउड
व्हाट मेक्स द क्लाउड्स, क्लाउड्स कैसे बनते हैं और वो स्काई को कैसे क्रॉस करते हैं, ठीक है। व्हाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स, और जो सन है वो पहाड़ों के पीछे क्यों छुपता है, हमारे घर के पीछे क्यों नहीं छुपता है, या कहीं और क्यों नहीं छुपता है, समुद्र में क्यों नहीं डूबता है, वो सिर्फ पहाड़ों के पीछे ही क्यों छुपता है। एंड व्हाई द फ्लावर्स डाई, और जो फ्लावर्स होते हैं वो मर क्यों जाते हैं, यानी मुरझा क्यों जाते हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को भी वो जानना चाहता है। अब वो उसके बाद पोएट्स बोलता है, पोएट सेज कि सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड, कि जो कुछ वाइज हैं वो इतनी हार्ड नहीं है कि हम उनका आंसर ना कर सकें, जैसे कि भाई सन जो है वो इतना शाइन क्यों है, एंड हम ड्रिंक और ईट क्यों करते हैं, खाते और पीते क्यों हैं, ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर सके, हम ग्रो कर सके, हमें एनर्जी मिल सके, ताकि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम कर सके, हम है ना, टू आंसर इफ यू विल ट्राई, अगर हम ट्राई करेंगे तो हम कुछ वाइज का आंसर या कुछ क्यों का आंसर हम दे सकते हैं। अदर्स नो अवन एवर येट ही हैज फाउंड द रीजंस व्हाई, और कुछ रीजंस ऐसे हैं जिनके मतलब कुछ वाइज ऐसे हैं जिनके रीजंस हमें भी नहीं पता है, रीजन मतलब कारण, कि जिनके कारण हमें भी नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों होते हैं, ठीक है, बस वो ऐसा होते हैं बस हमें इतना पता है, पर ऐसा क्यों होता है हमें भी नहीं पता है। तो ये थी हमारी एक पोयम बाय, जिसमें एक बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है और ही वॉन्ट्स टू नो एवरीथिंग, वॉट हैपेंड एंड वाई हैपेंड, वाई दिस हैपेंड, वाई दिस इज नॉट हैपेंड, वो सब जानना चाहता है, ठीक है। तो उसी के बेस पर ये पोएम है। तो हमारी क्लास में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, या हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम खुद ऐसे होते हैं कि भाई हमें भी लगता है कि हमें ये जानना है, ये नहीं जानना है, ठीक है। तो ये पोएम थी वाई के ऊपर, वाई एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, ठीक है। जब हम किसी से पूछते हैं, हम जैसे टीचर आपसे पूछते हैं कि आपने क्या खाया, आपने क्यों खाया, या आपने काम क्यों नहीं किया, तो ये सब क्या है, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये एक पोएम जो थी वो एक क्वेश्चन बेस्ड ही थी, ठीक है, जिसका आंसर्स हम लोग अब क्वेश्चन आंसर्स और इसके न्यू वर्ड्स जो हैं वो हम आगे देखेंगे, पर न्यू वर्ड्स हम अभी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे क्यूरियस, क्यूरियस क्या होता है, जिज्ञासा, जिज्ञासु वाला इंसान, यानी कि हू वॉन्ट्स टू नो एवरीथिंग, ठीक है। लीड शीशा, मार्बल पत्थर या फिर संगमरमर, सिंक मतलब डूब जाना, एंड देन उसके बाद है रीजन, कारण, वजह होना, किसी चीज़ का क्या कारण है या क्या नहीं है कारण, ठीक है। उसके बाद भी कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। स्विम मतलब होता है तैरना, स्विम मतलब क्या होता है, तैरना, ठीक है। उसके बाद हम ड्रिंक, ब्लो मतलब चलना, ठीक है। शाइन मतलब चमकना, ड्रिंक पीना, ईट खाना, ठीक है। उसके बाद क्लाउड्स बादल, देन उसके बाद है फ्लावर्स आपको पता है, हार्ड मुश्किल, उसके बाद आंसर यानी कि जवाब, उत्तर भी बोल सकते हैं हम इसको, फाउंड यानी कि मिलना, ठीक है। तो ये थे हमारे पोएम, आई होप कि आपको मीनिंग समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी वर्ड का मीनिंग आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।